खबर हांडिया प्रयागराज से है, जहां हांडिया थाना क्षेत्र के शदरेपुर गांव में 7 फरवरी की सुबह गायब मासूम गोलू की हत्या कर शव फेंक दिया गया है। गुरुवार 9 फरवरी की सुबह शव घर से थोड़ी दूर पाया गया। मासूम गोलू की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। आपको बताते चले कि शदरेपुर गांव निवासी भानु प्रताप यादव का सबसे छोटा बेटा गोलू 4 वर्ष, 7 फरवरी की सुबह लगभग 10 बजे घर के पास खेल रहा था, तभी रंजिश बस गांव के कुछ लोगों ने अगवा कर उसकी हत्या कर शव घर के पास फेंक दिया। गुरुवार को पुलिस के साथ खोजबीन की गई तो शव घर के पास पाया गया। शव मिलते ही मां राजकुमारी, पिता भान प्रताप यादव, बाबा, मामा, चाचा सहित नात रिश्तेदार सभी लोग दहाड़े मार कर रोने लगे। मृतक गोलू के मामा और मां, चाचा, बाबा समेत परिजनों ने गांव के लोगों पर, जिन पर दो पुलिस केस चल रहा है, उन पर गोलू की अपहरण कर हत्या की आशंका जताई थी। आखिरकार गोलू के साथ अनहोनी हो ही गई। घटना से गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आंखियां निकाली ले पाटे।